Assalamu alaikum. Welcome to all on my YouTube channel, The Smart Coach. So today our topic is education. After this lecture, you will be able to know derivation of word education, definition of education, style modes and types of education. So here we will start from the derivation of word education. The word education is derived from Latin word educere or educare, which means to bring up or lead. Word education, iska Urdu meaning hai taleem. Ye Latini zuban se ahaz hua hai, jiska matlab hai bring up or lead, jisme aapki nourishment, aage badhna, apni salahiyaton ko ujagar karna aur cheezon ko seekhna hai. Okay, so ab hum baat karenge definition of education ki. According to Ibn Khaldun, education is the name of intellectual and moral training of man through which man's hidden abilities are brought up, his moral character developed better, highlighted, and the culture and the knowledge of society is transmitted to next generation. So, Ibn Khaldun ke mutabik, taleem insaan ki akhlaqi aur akli tarbiyat ka naam hai, jiske zariye insaan ki chupi hui salahiyatein बढ़ती हैं, उसकी अहलाक में बेहतरी आती है और माशरे की इलम की तरसील आने वाली नस्लों तक होती है. अब एजुकेशन आप सिर्फ इसको आप अकली तालीम नहीं कह सकते, इसमें मॉरल आपकी अहलाकियात भी आपके साथ हैं. अगर आपकी अहलाकियात नहीं है तो आपके पास जो डिग्री है वो सिर्फ एक जस्ट पीस ऑफ पेपर है. और वैसे भी आजकल हमारे अदारे सिर्फ डिग्रियाँ छाप रहे हैं, तरबियत कहीं भी नहीं हो रही. सो एजुकेशन, अगर आपने एजुकेशन में आपकी तालीम और तरबियत, आपकी अकली अहलाकी दोनों चीज़ें आती हैं इसमें. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एजुकेशन. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फॉर्मल एजुकेशन. इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन, the existence of some school, college, university or some institute is necessary. इस तरह की एजुकेशन में किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का होना ज़रूरी है ताकि एक रेगुलर पैटर्न के ज़रिए तालीम हासिल की जा सके. जिस सेक्टर में या जिस माहौल में हम लोग तालीम लेते हैं, हम रोज़ डेली कॉलेज जाते हैं, एक हमारा टाइम है क्लास का, उस टाइम में हमने क्लास लेनी है, फिर हमने छुट्टी करनी है. ये सारा जो है तो ये फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है. वहाँ पे एक रेगुलर शेड्यूल होता है, डिसिप्लिन होता है. थर्ड पॉइंट है इसका, देयर इज़ अ रेगुलर सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन. वहाँ पे एक रेगुलर एग्ज़ाम सिस्टम होता है. आपने क्या पढ़ा, आपको ने क्या आउटपुट अब उसका देना है, वो सारा चेक एंड बैलेंस रखते हैं. एंड सर्टिफिकेट एंड डिग्री इज़ इश्यू टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. और जो बच्चे उनके कामयाब हो जाते हैं उनको वो सर्टिफिकेट एंड डिग्री देते हैं. सो इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है जो देखती है, जो सारे काम को मैनेज करती है. सो फॉर्मल एजुकेशन हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेट करती है जो हम किसी इंस्टीट्यूट में जाके लेते हैं. अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. सो सेकंड टाइप ऑफ एजुकेशन है इनफॉर्मल एजुकेशन. दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ चाइल्ड. अब इसमें टू टाइप हैं आपकी लर्निंग की. आप एक तो लर्न करते हैं अपनी एनवायरनमेंट से, दूसरा अपनी सराउंडिंग से. अब ये एजुकेशन का सबसे जो वास्ट मीडियम है, क्योंकि आप अपनी बर्थ से स्टार्ट कर देते हैं, आप माहौल से सीखते हैं, अपने एट के से सीखते हैं. अब इसमें जो आप सीखते हैं वो आप पॉजिटिव भी सीखते हैं और नेगेटिव भी सीखते हैं. अब ये आपके माहौल पे डिपेंड करता है, आप पॉजिटिव चीज़ें ले रहे हैं या आप नेगेटिव. जो स्किल्स आप सीखते हैं किसी अपने एक्सपीरियंस से, जो चीज़ आप सीखते हैं वो आपकी सारी चीज़ें इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाती हैं. जो हमारी थर्ड एंड लास्ट पार्ट है वो है जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन. इट इज़ अ डिस्टेंस लर्निंग. फॉर एग्जांपल, जो एजुकेशन हम सेमिनार से लेते हैं, वर्कशॉप से लेते हैं या एजुकेशन
फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जो हम ओपन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेते हैं। यहाँ पे बकायदा कोई टीचर नहीं होता जो हमें पढ़ा रहा होता है, हमें गाइड कर रहा होता है। ये एक डिस्टेंस लर्निंग होती है, सेल्फ स्टडी होती है। तो ये किस में आ जाती है? नॉन फॉर्मल में आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा कोई स्टोरी टेलिंग से कि किसी ने हमें कोई बात बताई, उससे जो हमने सीखा, जो हमने एजुकेशन ली, वो सारे भी नॉन फॉर्मल में आती है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा ये एजुकेशन, उसकी डेरिवेशन एंड उसकी टाइप्स। थैंक यू सो मच।